नवरात्र से पहले YouTube पर कई भोजपुरी स्टार्स के नवरात्र स्पेशल सॉन्ग आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि इस कड़ी की शुरुआत हिट मशीन खेसारी की तरफ से हुई थी, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहला नवरात्र स्पेशल सॉन्ग जो निकाला था। लेकिन साथ ही अब धीरे धीरे बाकी भोजपुरी स्टार्स भी अपने देवी गीत रिलीज कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज खेसारी ने तो अपना दूसरा देवी गीत रिलीज किया ही है, लेकिन रितेश पांडे भी किसी से पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपने साल का पहला भोजपुरी नवरात्र देवी गीत साथ घूमल पंडाल रिलीज किया है। अब भाई दो सुपरस्टार्स के साथ एक जैसे थीम पर गाने आते हैं तो अक्सर जनता किसी एक गाने को ज्यादा पसंद और सपोर्ट करती है और दूसरे को थोड़ा कम। तो आइए आपको बताते हैं खेसारी वर्सेस रितेश में से किसका गाना जनता को ज्यादा भाग गया है। सबसे पहले बात करते हैं हर मामले में आगे रहने वाले, अपडेट रहने वाले सिंगर एक्टर खेसारी लाल यादव के नवरात्र स्पेशल गीत की। खेसारी का नया नवरात्र स्पेशल गीत रिलीज हुआ है आदिशक्ति यूट्यूब चैनल पर। गाने के बोल हैं, दे दी चंदा दू चार पैसा। वीडियो फॉर्म में रिलीज हुए गाने में खेसारी देवी के कामों के लिए लोगों से चंदा मांगते हुए नजर आए हैं। वैसे तो ये एक भक्ति गीत है, यानी देवी की महिमा को समर्पित है, मगर इसमें खेसारी का चंदा मांगने का जो अंदाज है वो लोगों को ज्यादा पसंद आ गया है। और जैसा कि सभी को पता है कि अनीशा पांडे संग खेसारी की जोड़ी जब जब आई है तब तब लोगों से कितना प्यार हासिल किया है, तो उनके इस नए वीडियो को भी जनता से प्यार सपोर्ट मिल रहा है। व्यूज की बात करें तो इस पर 3 घंटे में 3 लाख प्लस व्यूज आ चुके हैं, 65,000 से ज्यादा लाइक्स और 10,000 यानी 10,000 से ऊपर कमेंट्स भी। इतना सब देखने के बाद कहने को शायद ही कुछ रह गया है, गाना बाकी में लोगों की पसंद पर खरा उतरा है ये साबित हो चुका है। अब बात करते हैं रॉकिंग स्टार रितेश पांडे की। सबसे पहले तो रितेश पांडे का जो आज रिलीज हुआ है देवी गीत वो ऑडियो फॉर्म में है। उसके बोल है, साथ घुमल पंडाल दिन भर दे। इसे गाया है रितेश पांडे के साथ सुपर हिट सिंगर प्रियंका सिंह ने। लिखा है इसे प्रकाश परदेसी ने। म्यूजिक डायरेक्टर है ADR आनंद और गाना रिलीज हुआ है रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड पर। वैसे तो गाना ऑडियो में है तो खेसारी के गाने से इस मामले में बराबरी नहीं कर सकते। व्यूज के मामले में भी गाना काफी ज्यादा पीछे है। 6 घंटे हुए इस गाने को रिलीज हुए, मगर अभी तक 1 लाख का भी आंकड़ा ये गाना पार नहीं कर पाया है। अब ऐसा इस वजह से हुआ है कि गाना वीडियो नहीं बल्कि ऑडियो में आया है, या फिर इसके पीछे और कोई कारण है ये तो ऑडियंस ही जाने। खैर अभी आंकड़े बताने के लिए शायद काफी हो चुके हैं कि जनता की पसंद, बाकी हमारी ऑडियंस दोनों सिंगर्स के देवी गीतों के बारे में क्या राय रखती है वो हमें बता सकती है नीचे अपना ओपिनियन देकर कमेंट बॉक्स में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।